बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा किचन में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट के बॉल्स। कोकोनट मैंने जो कद्दूकस किया वो लिया है। चीनी जाएगी इसके साथ, क्रीम जाएगी, थोड़ा सा खुश्क दूध जो कि खुश्क ड्राई मिल्क होता है वो भी जाएगा, 2 से 3 चम्मच है, और 3 बिस्किट हैं। बिस्किट नहीं, ये जो जिसे हम खताई बिस्किट बोलते हैं ये वो है जो नरम वाली है। इसके अंदर मिक्स करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। तो साथ काम शुरू करते हैं। मैंने क्रीम ली है दूध वाली, आप तो चाहें तो दूसरी क्रीम भी ले सकते हैं। साथ ही चीनी डालेंगे 2 चम्मच है, और 2 बड़े चम्मच ही मिल्क, खुश्क ड्राई मिल्क है। मिक्स करेंगे, आस्ता आस्ता मिक्स करते हैं। अगर लगे कि ज़्यादा थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा दूध इसके अंदर या थोड़ी सी और करी मिक्स कर लें, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि पहले अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि पतला ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगाएंगे। इस तरह से देखें मिक्स हो गया, आस्ता आस्ता मैंने 1 चम्मच और क्रीम का डाला था, तो ये देखें मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर ये जो बिस्किट है हाथ से इसको यूँ चूरा कर लें। कोई और जायका डालना चाहे फ्लेवर तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि ये जो खताई वाले होते हैं वो डालें। इस फॉर्म में आ गया है सब चीज़ें मिक्स करने के बाद। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे, यूँ अपने हिसाब से, लंबा करना चाहे तो लंबे कर लें, गोल करना चाहे तो गोल कर लें। यूँ बना के ये जो हमारे पास थोड़ा सा और ड्राई मिल्क रखा होगा इसके अंदर आप यूँ कर दें, इस तरह घुमाएं और इसको दोबारा से इस तरह करें, तो यूँ रखते हैं। कोकोनट बॉल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।